और पंजाब च फसे करीब 6,40,000 जिहड़े प्रवासी मजदूर ने उन्हां नूं लैके पंजाब सरकार अपने खर्चे ते वापस भेजी। ये असीं नहीं कह रहे, पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ होरां दा बयान है। जाखड़ होरां ने कहा कि पंजाब सरकार ने यह फैसला कांग्रेस दे जिहड़े है बयान तो बाद लिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी होरां दे दिशा निर्देशों के चलदियां जिहड़ा फैसला लिया गया, जिस ते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने मंजूरी भी दे दी है। सुनील जाखड़ होरां ने दस्सिया कि ज़्यादातर मजदूर यूपी ते बिहार नाल तल्लुक रखते हैं। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का जो अहद लिया है, मैं समझता हूं उन्होंने अपने आप को राजनीतिज्ञों की इस भीड़ में अपने आप को एक राजनेता के तौर पर साबित किया है। बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा उनसे किराया वसूल करने की जो बात है, मैं समझता हूं एक बीजेपी की असल चेहरा उभर कर सामने आया है। पंजाब से करीबन 6,40,000 के करीब जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाने का जो भी किराया है, जो भी उसके ऊपर खर्चा आएगा, वो कांग्रेस की पंजाब सरकार वहन करेगी। ये फैसला हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किया है।